13 फरवरी को कानपुर देहात के मड़ौली गांव में हुई घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। सख्त लॉ एंड ऑर्डर का दावा करने वाली यूपी गवर्नमेंट से लोग लगातार अपने अपने तरीके से आग में जिंदा जलकर हुई मां और बेटी की मौत का हिसाब मांग रहे हैं। और इसी मामले में जब लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी में काबर टू सीजन नाम से अपने गाने को रिलीज किया तो उनके इस गाने पर कानपुर देहात की पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 7 सवालों के जवाब मांगे हैं और उन्हें 7 सवालों के जवाब 3 दिन के भीतर देने हैं। यूपी पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से जो 7 सवाल पूछे हैं वो सवाल कौन से हैं, यूपी पुलिस ने किस नियम के तहत नेहा सिंह राठौर को ये नोटिस भेजी है और नेहा सिंह राठौर कौन है, आज इसी की चर्चा हम आपसे इस वीडियो में कर रहे हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से जो 7 सवाल पूछे हैं वो कुछ इस तरह से। पहला सवाल ये है कि क्या आप इस वीडियो में स्वयं हैं या नहीं। दूसरा सवाल है, अगर वीडियो में नेहा सिंह स्वयं हैं तो वो ये बताएं कि ये वीडियो उन्हीं के द्वारा यूट्यूब चैनल नेहा सिंह राठौर पर यूपी में काबा सीजन 2 के टाइटल और ट्विटर अकाउंट @नेहा_फोक_सिंगर नाम की उनकी ईमेल आईडी से अपलोड किया गया था या नहीं। तीसरा सवाल है, अगर नेहा सिंह राठौर चैनल नाम का यूट्यूब और @फोक_सिंगर नाम का ट्विटर अकाउंट उन्हीं के नाम का है कि नहीं, और अगर ये उन्हीं का चैनल है तो क्या वो इसका यूज कर रही हैं या नहीं। चौथा सवाल है, वीडियो में इस्तेमाल किए गए गाने के शब्द उनके खुद के लिखे हैं या नहीं। पांचवा सवाल है, यदि ये गीत उनके द्वारा स्वयं लिखा गया है तो क्या वो उसे प्रमाणित करती हैं या नहीं। छठा सवाल है, अगर ये गाना किसी और का लिखा हुआ है तो क्या उन्होंने लेखक की पुष्टि सत्यापित कराई है या नहीं। और सातवां और आखिरी सवाल है, क्या इस गाने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को वो जानती हैं या नहीं। तो ये वो 7 सवाल हैं जिसे यूपी पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से पूछे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नेहा सिंह राठौर को ये नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत जारी की है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 पुलिस अधिकारियों को यह शक्ति देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी गवाह को जवाब तलब कर सकती है। गवाह को यह बुलावा लिखित या किसी अन्य माध्यम से भेजा जा सकता है। और अब कानपुर में हुई इस घटना पर यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के गाने को समाज में तनाव और वैमनस्य फैलाने वाला मान रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये नोटिस जारी की गई है। चलते चलते थोड़ी जानकारी आपको नेहा सिंह राठौर के बारे में बताते चलें तो नेहा सिंह एक फोक सिंगर हैं, यानी भोजपुरी और लोकल भाषा में वो गाना गाती हैं। इन्हें अपने गाने यूपी में काबा के बाद सोशल मीडिया पर खूब प्रसिद्धि मिली और उनके यूट्यूब चैनल से मिली जानकारी के मुताबिक वो देश की लोक संगीत की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। वैसे आप किस मुद्दे पर क्या राय है, यूपी पुलिस के एक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।